दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। राष्ट्रमंडल के जो इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक हो रहे हैं, तो आज हम आपको हॉकी के बारे में बताएंगे। हॉकी जो है वो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है और ये ओलंपिक जैसे गेम्स में इसे 8 गोल्ड मेडल जीते हैं और 1 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जबकि राष्ट्रमंडल खेलों में इसका प्रदर्शन का उतना अच्छा नहीं रहा है। इंडियन हॉकी टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 2010 एंड 2014 को सिल्वर मेडल जीते थे और 1998 और 2018 में फोर्थ पोजीशन पे रही थी। हमारी इंडियन हॉकी टीम जो मनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम काफ़ी उत्साह से भरी है, क्योंकि इसने अभी हाल ही में 2022 के टोक्यो ओलंपिक्स में 41 साल का सूखा खत्म किया है और ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया है। और इंडिया टीम जो इंडिया टीम हमारी है वो FIS हाल ही में जो FIS टूर्नामेंट हुए थे बेल्जियम और नीदरलैंड्स के बाद थर्ड पोजीशन पे रही थी और ये काफ़ी जोश से भरी हुई है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी इंडिया ये कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडल्स को सुखा खत्म करेगी और इस बार गोल्ड मेडल्स पे अपना कब्जा करेगी। और हमारी वही वुमेंस टीम जो इंडियन वुमेंस टीम है और इनकी जो कैप्टन गोलकीपर सलीता पुनिया हैं, इनसे भी हम काफ़ी उम्मीद करते हैं, क्योंकि इन्होंने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और ओलंपिक्स में फोर्थ पोजीशन पे रही हैं। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।